और आप दोस्तों कैसे हो। आज हम बात करेंगे क्लाउड टिल के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक एपिसोड बनाया था क्लाउड टिल के बारे में और काफी सक्सेसफुल वीडियो था, काफी लोगों को बहुत सी हेल्प हुई और काफी लोग मुझसे रीच आउट किए। अब मैं आपको क्लाउड टिल का एक स्टेप फर्दर दिखाता हूँ। अगर आपको क्लाउड टिल कभी रीच आउट करेगा तो ये आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको पहले से मालूम है तो आपको नेगोशिएशन और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो इसे और समझने के लिए आगे का वीडियो देखिए। क्लाउड टिल आपको दो मॉडल में ऑपरेट करता है। नंबर वन ड्रॉपशिप मॉडल, सेकंड इज डायरेक्ट सेल वेंडर सेटल मॉडल। अब आपको दोनों मॉडल में मैं डिफरेंस बताता हूँ। आपको जनरली ये दो मॉडल में से एक चूज करना पड़ता है जनरली। अब कंपलसरी नहीं है कि हर एक के लिए यही चीज़ हो, बट दोनों मॉडल में होता क्या है। अगर आपको ड्रॉपशिप मॉडल के बारे में हम बात करें तो ड्रॉपशिप मॉडल बेसिकली ये होता है जहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत ड्रॉप शिपिंग के बारे में मालूम है तो एग्जैक्टली यही होता है। क्लाउड टिल आपसे एक फिक्स मार्जिन पे काम करेगा। इसका मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो उसको चाहिए वो आपसे रीच आउट करेगा कि मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, और ये प्रोडक्ट्स में आपको वो डायरेक्ट एक मार्जिन दे देगा। वो आपको बोलेगा ये प्रोडक्ट की जो भी सेलिंग प्राइस है उसका 60% आपको मिलेगा और बाकी आपको कुछ भी देखना नहीं है। और ड्रॉप शिप मॉडल में बेसिकली होता क्या है कि आपको सब कुछ मेंटेन करना है खुद ही। आपको रिटर्न्स हैंडल करने, आपको ऑर्डर डिस्पैच करना है, यहाँ तक कि आपको मटेरियल भी आपके वेयरहाउस में ही स्टोर करना है। तो सब चीज़ें आपको ही टेक केयर करनी पड़ेगी अगर आप क्लाउड टिल के ड्रॉपशिप मॉडल में घुसते हो तो, और आपको एक फिक्स 60% मार्जिन मिलेगा। और सेकंड मॉडल है डायरेक्ट सेल मॉडल। डायरेक्ट सेल मॉडल में बेसिकली ये होता है कि क्लाउड टिल आपसे इन्वेंट्री बाय करेगा और आपकी लिस्टिंग पे वो खुद बेचेगा। अब एक बार उसने वो प्रोडक्ट्स बाय कर लिए तो वो लायबल है आपको पैसा देने के लिए। तो बेसिकली लेट्स से अगर आपका एक टर्म है कि 45 डेज के बाद वो आपको पेमेंट करेगा, तो डायरेक्ट सेल मॉडल में आपको वो इनवॉइस की वैल्यू पे करेगा और रिटर्न्स आपको खुद हैंडल करने हैं। बेसिकली जो भी कस्टम रिटर्न है, अगर कुरियर रिटर्न है नॉर्मली, अगर अनडिलीवर्ड है, वो सारी चीज़ें आपको कोई टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन के FBA वेयरहाउस में डालने पड़ेंगे और वो लोग ही स्टोर करेंगे। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं ड्रॉपशिप मॉडल के बारे में। ड्रॉपशिप मॉडल में बेसिकली आपको ये बेनिफिट है कि आपको एक फ्लैट मार्जिन मिल जाएगा, आपको कोई भी चीज़ों का टेक केयर नहीं करना है, आपको रिटर्न्स कुछ भी नहीं देखने हैं, और आपको पेमेंट्स भी जनरली 30 डेज में मिल जाती है। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको एक तो पेमेंट्स थोड़ी फास्ट मिल रही है, आपको एक फिक्स मार्जिन पर मिल रहा है, बट आपकी हर चीज़ आपकी सेलिंग प्राइस पर ही डिपेंड करेगी। अगर आपकी सेलिंग प्राइस कम हुई तो आपको कम मिलेगा, ज़्यादा हुई तो ज़्यादा मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज छोटे सेलर्स के लिए होता है, जिसके पास वेयरहाउस छोटा है तो आपको सारे गुड्स आपके वेयरहाउस में ही स्टोर करने पड़ेंगे। आपकी मैन पावर इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको अभी उनका रिटर्न डिस्पैच सब कुछ आपको ही करना है, पिक एंड पैकिंग भी आपको ही करनी है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप पिक एंड पैक फी देखोगे, जनरली अमेजोन FBA वो चीज़ पिक एंड पैक फी लगाता है ताकि वो जो भी पैकिंग मटेरियल एक्स्ट्रा डाल रहा है या तो अपना लेबल यूज़ कर रहा है उसका 10 रुपीज़ चार्ज करता है जनरली। अगर आप क्लाउड टिल के ड्रॉपशिप मॉडल में जाओगे तो आपको 10 रुपीज़ तो चार्ज होने वाला ही है, क्योंकि फीस एग्जैक्टली FBA जैसी होती है। ओवर एंड अबाव आपको खुद का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेबर इन्वेस्ट करेगा पैकिंग मटेरियल के लिए। तो ड्रॉपशिप मॉडल में वही लोग को बेनिफिट है जिसके पास बहुत बड़ी वेयरहाउस है, बहुत सारे एम्प्लॉइज है, ताकि ये चीज़ वो हैंडल कर पाए। अदरवाइज आपको लेबल्स वेबल्स सब कुछ निकलना है। तो आप देखोगे तो ये छोटे सेलर्स के लिए रियल में बहुत पेनफुल टास्क हो जाता है अगर आप ड्रॉपशिप मॉडल में जाते हो तो। और दूसरा प्रॉब्लम है कि ये सब चीज़ आपकी सेलिंग प्राइस पे और आपके सेल्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपका सेल कम हुआ तो आपको क्लाउड टिल उतना पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपको वो परसेंटेज पे देगा आपके सेल पे, राइट। और अगर हम दूसरा साइड देखते हैं डायरेक्ट सेल मॉडल, इसमें आपका एक B2B इनवॉइस जैसा हो गया। अब अगर वो आइटम सेल हो या ना हो, ये सारी चीज़ें की जिम्मेदारी है क्लाउड टिल की। तो आपको अगर 45 डेज में वो पेमेंट देंगे तो इसका मतलब आपकी जो भी इनवॉइस वैल्यू है उतना आपको वो रिटर्न देंगे 45 डेज में। अगर रिटर्न आया तो आपको हैंडल करना है, अदरवाइज अगर वो नहीं सेल हुआ तो वो क्लाउड टिल के जिम्मेदारी पर है। तो आपको ये चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब अगर दोनों मॉडल में देखोगे तो ड्रॉपशिप मॉडल में क्लाउड टिल को बेनिफिट ये होता है कि उनको कुछ करना नहीं है, कोई ऑपरेशनल वर्क नहीं है, और 30 डेज में इसीलिए आपको पेमेंट दिए थे। और अगर आप देखोगे ड्रॉपशिप मॉडल सेकंड मॉडल में, जो डायरेक्ट मॉडल है, उसमें आपको 45 डेज के बाद
Amazon पेमेंट देता है। तो अभी आपको कौन सा मॉडल चूज़ करना चाहिए, वेल ये डिपेंड करता है कौन से टाइप के सेलर हो। अगर आप वो टाइप के सेलर हो जिसके पास ज़्यादा इन्वेंट्री का स्पेस नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो डेफिनेटली ड्रॉपशिप मॉडल आपको नहीं जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे सेलर हो जिसके पास बहुत सारा इन्वेंट्री है, वेयरहाउस है, मैन पावर है, तो आप सोच सकते हो ड्रॉपशिप का। बेनिफिट यही रहेगा कि आपका आपको रिटर्न रील नहीं करने पड़ेंगे, आपको एक फ्लैट मार्जिन मिल जाता है, और सेकेंडली आपको इन्वेंट्री आपके पास ही रहती है। बट ये दोनों मॉडल में आप अगर एक फ्लॉ देखोगे, आपको पेमेंट 30 या 45 डेज में मिलता है। कितनी बार प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सोचते हैं कि मुझे अमेजन से ऑलरेडी वीकली पेमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं 30 या 40 डेज का पेमेंट डिले क्यों करूं? अब ये बात भी राइट है, लेकिन आपको ये समझना है जब आप क्लाउडल से बिजनेस करते हो, जनरली आपके वॉल्यूम्स ऊपर हो जाते हैं। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आपकी सारी इन्वेंट्री FBA हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई आइटम है जो 299 रुपीज़ में आप सेल कर रहे हो, आप बेयरली कुछ प्रॉफिट कमा रहे होंगे अगर आप Amazon FBA कर रहे हो। तो अगर आपने ये छोटी वैल्यू आइटम अगर आप Amazon को डायरेक्ट सेल कर लेते हो, मतलब क्लाउडल को डायरेक्ट मॉडल में सेल कर लेते हो, ड्रॉपशिप नहीं सेकेंड मॉडल में, डायरेक्ट सेल मॉडल में, उसमें आपको बेसिकली कॉस्ट प्राइस कितनी भी हो आपको उससे मतलब ही नहीं है। आपको एट दी एंड ऑफ 45 डेज आपको पेमेंट मिल जाती है, और वो चीज़ अगर आप खुद अमेजोन पर बेचोगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे भी नहीं। 299 में अगर आप FBA कर रहे हो तो जनरली आप लॉस पे ही हो, या बेरली 5 से 7 रुपये कमा रहे हो। पर अगर आप ये क्लाउडल को माल दोगे इतना छोटे वैल्यू का, तो आप लिटरली 20-30-50-60-70 रुपये कमा सकते हो। तो अगर लो वैल्यू में अगर डील कर रहे हो और आपको FBA करना है, तो क्लाउडल का डायरेक्ट मॉडल इज द बेस्ट। ड्रॉपशिप मॉडल अगर आपके पास बहुत सारा स्पेस है वेयरहाउस में, मैन पावर है, और आप रेडी हो ये चीज़ लेने के लिए। कुछ डिसएडवांटेजेस है क्लाउडल के। पहला डिसएडवांटेज है कि अगर आप क्लाउडल से काम कर रहे हो, पेमेंट थोड़ी डिले आएगी आपको, क्योंकि 45 डेज के पहले क्लाउडल आपको देगा नहीं। सेकेंड, रिटर्न्स भी आपको हैंडल करने हैं। और थर्ड मेजर जो बहुत लोग डिस्कस नहीं करते, और काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, कि क्लाउडल में जब आप काम करोगे, तो अगर क्लाउडल ने आपसे वो लिस्टिंग ले ली है और अमेजोन पे क्लाउडल ने चालू कर लिया है बेचना, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी लिस्टिंग अभी आपकी लिस्टिंग नहीं रही। इसका मतलब आप लिस्टिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन अब आ गया है क्लाउडल का, तो आपकी लिस्टिंग एक तरह से लॉक हो गई है। अगर आपको टाइटल चेंज करना है तो नहीं कर पाओगे, आपको बुलेट चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, इमेजेस भी चेंज करनी तो भी नहीं कर पाओगे। आपको बेसिकली एक केस रेज करना पड़ेगा और बहुत बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, तब जाके सेलर्स सेंट्रल टीम आपको थोड़े बहुत चेंजेस अगर आपको करने हैं तो अलाउ करेगी, पर वो बहुत पेनफुल टास्क होता है। सो बेसिकली जो भी लिस्टिंग पे अगर क्लाउडल आ गया और आपने उसको लिस्टिंग वो बेच दिए मतलब आपने उसके साथ ट्रांजेक्शन कर लिया है, तो आपको लिस्टिंग एडिट करने नहीं मिलेगा। समझिए, अगर आपके पास कोई कीवर्ड है जो आपको टाइटल में डालना है और आपको बाद में मालूम पड़ता है कि ये कीवर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप वो नहीं डाल पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके लिस्टिंग्स एक बार क्लाउडल पे आ गई तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो कॉमेंट्स में लिखिए मुझे, तो आपको रिप्लाई करूँगा। पर्सनली बात करना चाहते हो तो DM कीजिए इंस्टाग्राम पे। आप पॉडकास्ट सुनते हो तो मेरा एक पॉडकास्ट भी है, आप स्पॉटिफाई पे जाके टाइप कर सकते हो द इंडियन सेलर। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो मैं डेली लाइफ में करता हूँ अपने सेलर सेंटर के साथ अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, तो आपको वो भी बहुत बेनिफिट हो सकता है। हमारा छोटा सा फेसबुक ग्रुप भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, सारे लिंक्स नीचे हैं। और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स के अंदर, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये चैनल पसंद आता है और इसके वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं।